श्रीमती सहोत्राबाई राय का जन्म 30 अप्रैल 1919 को क्षत्रिय खंगार वंश में दमोह जिला मध्य प्रदेश के ग्राम गोत्राई में हुआ था। उन्होंने 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1955 में पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बहादुरी से भारत का झंडा पकड़े हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन में उन्हें 3 गोलियां लगीं, 2 गोलियां दाएं हाथ में तथा 1 गोली पेट में लगी। फिर भी उन्होंने गोवा के भारत में विलय होने की इबारत लिख दी, साथ ही पुर्तगालियों को भागने पर विवश कर दिया। गोवा आंदोलन में विजयी होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वीरांगना कहकर संबोधित किया। नेहरू जी ने उन्हें संसद सदस्य बनाने हेतु सागर से सांसद का टिकट दिया और वे भारी मतों से विजयी होकर सांसद बनी। वे 1957 से 1981 तक 4 बार संसद सदस्य रही। उन्होंने हमेशा हरिजनों के कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, महिला संगठनों और गरीब किसानों की मदद के लिए प्रयास किया। ऐसी देशभक्त वीरांगना को हमारा शत शत नमन।